है बोले और हालत ऐसी हो गई है ना कि एक बार नज़ारा दिखाता हूँ मैं चढ़ जाते हुए गौरीकुंड से 6 किलोमीटर ऊपर मंदिर की ओर लेके जाता हूँ मैं। इंडिया स्टेशन कम्प्लीट हो गया रस देख रहे हो जय बाबा की और ये स्वर्ग गुड नाइट विद गुड मॉर्निंग स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो ब्लॉग में। सो लोकेशन गौरीकुंड और लोकेशन कंप्लीट करेंगे अपन केदारनाथ के लिए ठीक है। और यहाँ से हमारी 26 किलोमीटर का ट्रैक स्टार्ट होने वाला है ओके। तो चलते हैं तैयारी स्टार्ट हो गई रात के लगभग 9:30 बज रहे हैं अपन यहाँ से करेंगे स्टार्ट देखते हैं क्या क्या मज़ा आ सकता है क्या क्या चीज़ आएगी ठीक है। तो बने रहे मेरे साथ मैं हूँ आपका होस्ट। सो यात्रा शुरू करने से पहले लग रही है बहुत तेज भूख भोजन वोजन की व्यवस्था देखते हैं 9:30 बज रहे हैं तो पास में भंडारा चल रहा था चलो पहले भंडारा करते हैं पहले पेट पूजा फिर चल जल्दी दूजा। सो गाइस रात का खाना है हमें खाना है भंडारे में। सो कुछ प्रकार है भंडारे का खाना जय बाबा बोलेगी अपन इसको फिनिश करते हैं कढ़ी चावल अपना छोले बहुत तेज भूख लगी थी बोले की मस्ती में गौरीकुंड से हम लोग निकलते हुए केदारनाथ की ओर। 2000 years later मैंने लिया एक रेनकोट 100 रुपए वाला रेनकोट ठीक है यहाँ से गौरीकुंड से खोल के दिखाते हुए अरे खोल बहुत बढ़िया भाई 100 रुपए में क्या मिलेगा बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया चलो चलो पहनो पुनो चलो चलो भाई तुमने सफ़ेद लिया। जब हम चलते हैं ऊपर गौरीकुंड से निकल चुके हैं हम लोग हम भी अपना रेनकोट का पहन लेंगे और हल्की हल्की बारिश हो रही है भैया बोल शंकर भगवान की जय चलो केदारनाथ की यात्रा की ओर। और ये प्रीपेड काउंटर घोड़ा खच्चर गौरीकुंड तो यहाँ से हाँ ऊपर चलो ऊपर और यहाँ से ये देख सकते हो हालत ये बिठा दिया प्लीज़ यार इस चीज़ को अवॉइड करें यार तो एक बार रास्ता देखना किस तरह से रास्ता मेरे महादेव की नगरी का जाने का जय बाबा की हम ऐसे चढ़ रहे हैं ऐसे ये देखो गाइस गौरीकुंड से 6 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं और हालत ऐसी हो गई है ना बहुत ख़तरनाक और शब्द बयान नहीं कर सकता बहुत ज़्यादा हाँ एनर्जी है ऐसा नहीं है कि एनर्जी नहीं है ठीक है। एक बार नज़ारा दिखाता हूँ मैं इस जगह का नाम है जंगल चड्डी ओके तो अभी तक पहुंचा तो हूँ नहीं मैं अभी कपड़े चेंज किए हैं मैं कपड़े की हालत दिखाता हूँ मैं तुम्हें एक बार पूछा पहले ये हालत देख रहे हो सबके कपड़े ऐसे हैं भाई सब हमारे कपड़े देख रहे हो और हम लोग पता है कहाँ से आए हैं वो जो पहाड़ देख रहे हो उसके पीछे एक छोटू सा पहाड़ दिख रहा होगा उसके पीछे और पहाड़ है वहाँ से चल रहे हैं हम लोग ठीक है वहाँ से चलते 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 अब देखो ये चीज़ यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है उस ग्लेशियर पे जाना है हमें जाओ बोले अरे तेरे भगत ये है भीमबली हेलीपैड यहाँ से भी ऊपर चलते हैं एक बार नज़ारा मैंने आपको दिखा दिया अच्छे से अभी यहाँ से 8 किलोमीटर दूर रह गई है हमारा पीछे ग्लेशियर मैंने आपको दिखाया वहाँ पर जाते हैं केदारनाथ मंदिर ओके हालत ख़राब है लेट्स गो भाई ऐसे इस तरह से रस्ते देखो अभी कितने खतरनाक रस्ते गीले हुए रस्ते देख ही सकते हो ये देखो हमें ऊपर चढ़ना
मारे उठिए तो कोई उधर जा भाई हां देख रहा हूं कहां से आ रहे हो और अभी और ऊपर चलना है लोग पहुंच गए बेस कैंप से लगभग 2 किलोमीटर पहले और देख ही सकते हो आप नीचे का नजारा हम ना वारिकुंड के पहाड़ है उससे भी 3 इंच वाले पहाड़ पार करके आ रहे हैं और हमारे बीच हेलीकॉप्टर की सेवा भी उपलब्ध है पहले हेलीकॉप्टर आज के दिन का दिन सोमवार और हेलीकॉप्टर सेवा जाती हुई केदारनाथ यात्रा की ओर बेस कैंप की ओर जा रहा है मिलिट्री वाला और नजारा कुछ इस प्रकार मंजिल अब दूर नहीं दोस्तों आ गई मंजिल व्हाइट वाले देख रहे हो बस यहाँ जाना है 5 किलोमीटर दूर और मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी ऑक्सीजन लेवल कम है लिंचोली के टॉप पे पहुंच चुका हूँ यहाँ से बेस कैंप 2 किलोमीटर दूर अभी फिर से बहुत खड़ी चढ़ाई है ठीक है क्योंकि आप देख ही सकते हो कहाँ से अमृत सभी मैं बांट के प्याला विश्व का तूने खुद पिया बच गए पूरे शुरू में लग रहा था कि बहुत गिर गए ये हो गया लोगों के कंडीशन हो गए और अब जो बापा के दर्शन दूर से हो गए देख लिया मंदिर आ गई नेक्स्ट लेवल एनर्जी और सामने हिमालय पर्वत अब कोई दिक्कत नहीं है अब तो चाहे गला भी बैठ रहा हो कोई दिक्कत नहीं भाई अब तो पैर ही वहीं थम गए अब तो भागे जा रहे चलते मंदिर की ओर देखते क्या व्यवस्था व्यवस्था बनाते हैं ठीक है कैंप के लिए लोकेशन अब देखते हैं एक बार देखो चलो लोकेशन दिखाता हूँ मैं आपको ये देखो बगल में पहाड़ ऊपर ग्लेशियर वगैरह और तो बर्फ ही पड़ रही है यहाँ पे बर्फ पड़ रही है अब चल रहे हैं हम लोग कैंप लगाने गाइस टेंट ये हो गया हमारा रेडी हमने सब कुछ वाटरप्रूफ कर दिया बारिश हो रही है ठीक है और एक बार मंदिर और ऊपर देखो भाई साहब मेरे को डर लग रहा है कहीं ऊपर से पत्थर ना आ जाए 1 2 3 6 हो जाए ये देख रहे हो हाइट देखो भाई हाइट वहाँ भी कुछ लोग चल रहे हैं ये वाली पहाड़ी जाके आगे टच हो जाएगी ऊपर बारिश हो रही है तो टेंट हमारा यहाँ और ये मंदिर का ऊपरी भाग जय श्री केदारनाथ इसे नहीं इसे इसे कैसा करना मुरतल का पहले तो ठंडे पानी में पोछते हैं मैं मुंबई से हर पर खुद दिए बिना कपड़ों के बटाऊंगा साले की अगर ना गल ठिकाने आ गए मुरतल के पराठे मुरतल के पराठे भी याद आ जाएंगे
टेंट के अंदर, तो हालत जो है ना हमारी सही नहीं है। गुड इवनिंग यूट्यूब फैमिली। तो अब हम हो गए रेडी, महाकाल की शर्ट डाल ली है, तिरंगा हमारे पास है, ये सब लेके जा रहा हूँ केदारनाथ मंदिर। और अभी तक मैं गया नहीं हूँ, मेरा हार्दिक इच्छा है और ड्रीम डेस्टिनेशन थी। कुछ इशू की वजह से वहाँ पे अलाउ नहीं था जाना, ठीक है, तो कुछ हो गया था इशू, छोटे से इशू क्रिएट हो गए थे। अब हम चलते हैं, ठीक है, सीधा मैं आपको लेके जाता हूँ केदारनाथ मंदिर, ठीक है। और संध्या का टाइम हो चुका है, तो चलते हैं। आप एक बार पीछे से नज़ारा देख सकते हो, बिल्कुल 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 नीचे बादल है हमारे पास, बिल्कुल नीचे। अब अभी देख लो, स्वर्ग है, बिल्कुल एक स्वर्ग, ठीक है। तो चलते हैं मंदिर। तो अपन चल रहे हैं और ये स्वर्ग, तो गाइस मंदिर की ओर लेके जा रहा हूँ मैं, चलो। मौसम देख सकते हो, मौसम बहुत ठंडा हो गया है, ठीक है। मंदिर की ओर लेके जाता हूँ मैं और ये मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन कंप्लीट हो रही है। मैं बहुत ही खुश हूँ और बाबा का द्वार और पीछे बादलों ने चारों तरफ से घेर लिया है। ये स्वर्ग का द्वार, मेरे शब्दों में तो स्वर्ग का द्वार है, पर स्वर्ग से कम नहीं है, पूरा स्वर्ग है भाई, एक भी बिल्कुल डाउट नहीं करूँगा। मैं आपको रस दिखाना चाहता हूँ एक बार, रस देख रहे हो, जय बाबा की। और हम चल रहे हैं बैक साइड मंदिर की, ये मंदिर की बैक साइड का नज़ारा, और वो देखिए चारों तरफ स्वर्ग का नज़ारा, मेरे महादेव की लीला। चलिए भीमशिला की ओर लेके जाता हूँ मैं आपको, वहाँ पे चलते हैं। सो गाइज, ये है भीमशिला, कहते हैं जब इस मंदिर पे आपदा आई थी तो इस भीमशिला ने इसकी रक्षा की थी। सो गाइज, मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ जो मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन कम्प्लीट हुई है, हमेशा मेरे लिए सपना था इस बात का और मेरा सपना पूरा हुआ है। गाइज, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने केदारनाथ पहुंच गया हूँ, मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन कंप्लीट हो गई। और मैं राइट नाउ मैं जहाँ खड़ा हूँ केदारनाथ टेम्पल आप पीछे देख ही सकते हो, मैं अपनी खुशी बिल्कुल भी बयां नहीं कर पा रहा हूँ। अभी आरती का टाइम हो गया, मैं आपको आरती लेके जाता हूँ। और कोई नहीं, फिर भी रात हो चुकी है, रात होने वाली, मतलब शाम हो चुकी है, सूरज ढल चुका है और मंदिर का नजारा कुछ इस प्रकार। और हम चल रहे हैं और जैसे ही मैं अपने कैंप पे पहुंच रहा हूँ, देख रहा हूँ दो बंदे सो रहे हैं, ठीक है, तो दूर दूर तक कुछ नहीं है। हमने कैंप लगाया वहाँ पे सामने हिमालय पर्वत, और अब हम फ़ोन को चार्ज करेंगे, सामने कोई टेंट वगैरह देखते हैं कहाँ पे चार्ज करना है। और आप देख ही सकते हो जय केदारनाथ मंदिर, आप देख ही सकते हो, बारिश के बाद सुन सकते हो। और हमने अपना कैंप खोला, मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, और ये देखो, अरे रुक जा, पब्लिक को दिखा दें भाई, बारिश के पानी से डर लग रहा है, बारिश देख रहे हो, खतरनाक बारिश हो रही है यार, बादल बिल्कुल हमारे पास ही है, ये देख रहे हो जो धुआंसा उठ रहा है, ये बादल है। तो मैं और ऋतिक सिर्फ आज कैंप में, बाकी सब लोग अलग अलग स्टे हो गए हैं क्योंकि बारिश हो गई बहुत ज़्यादा। और हमारा एक ताम तमीरा ये भी फट गया था, इसमें सही करा और दिखा पड़ा तो फर्क हो जाए। सो गाइस, सोते हैं, 3 बजे हमारा धमाके बीमार, रुक जा भाई, गाइस सोते हैं। रात बहुत तगड़ी बारिश हुई,
बारिश होने के बाद इतनी तगड़ी बारिश हुई, रात बहुत तगड़ी बारिश हुई, इतनी तगड़ी बारिश हुई कि कैंप वैम हमारा सब कुछ भीग गया। भीगने के बाद फिर हमने दूसरी साइड में स्टे किया, फिर हमने जल्दी जल्दी में मंदिर के दर्शन किए और वहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और बर्फ़ भी हो रही थी, ठीक है। तो वो जो मोमेंट शूट करने की कोशिश भी करी तो मैंने फिर वो वीडियो देखी तो वहाँ पे मतलब कैमरा अलाउ भी नहीं था, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें मेरे को लगा नहीं कि वहाँ पे कैमरा चलाऊँ, क्योंकि मैं भगवान की शक्ति में इतना प्रसन्न था, मैं भगवान की शक्ति में इतना चूर था कि मेरा कुछ बिल्कुल भी दिल नहीं हुआ। हो रही थी मैंने आरती के वो क्लिप की है कैप्चर, वो आप देखना, बहुत अच्छी मनमोहित है। आ गया हूँ गौरीकुंड, वहाँ से जो हमारी बताते हैं वो 22 किलोमीटर की यात्रा है, पर है ऐसा कुछ नहीं है, 30 किलोमीटर की पूरी चढ़ाई है भाई, सही बता रहा हूँ मैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।